Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of pronouns. ठीक है, आज pronouns का हमारा session है. ठीक है, और pronouns का बहुत important concept है, that is यहाँ आप लोगों को दिक्कत आती है और exam का favorite area है जहाँ से वो questions put up करते हैं. One, once और once. ध्यान रखना, ये दोनों once देखना, इसमें apostrophe लगा हुआ है but इस once में apostrophe नहीं लगा हुआ है. ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं. पहले तो देखते हैं कि ये सब है क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. वैसे तो मैंने प्रोनाउन लिखा है, देख के ही समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन है, बट अपार्ट फ्रॉम प्रोनाउन ये जो वन है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है. पहले देखते हैं कि ये सब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है एंड देन वी विल अकॉर्डिंगली डिसाइड कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है. ठीक है, आंसर इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है. पहले हम आते हैं वन पे. ऐसे मैं आपसे पूछूँ कि वन का मतलब क्या होगा. ठीक है, तो वन का मतलब बोलोगे एक होगा. ठीक है, ये जो वन है, ये वन जो हमारा है ये प्रोनाउन का भी काम करता है और ये वो जो वन है ये हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है. वो तो सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, कहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है. बट ये जो वंस है, ये जो वन है ना, इसी का अगर वन प्रोनाउन का काम कर रहा है तो इसी का प्लूरल वंस होता है. अभी मैं बता रही हूँ सेंटेंस के थ्रू. सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि वन और वंस में क्या डिफरेंस है, तो ये वन प्रोनाउन भी है और ये वन एडजेक्टिव भी है. बट ये जो वंस है ये हमेशा और हमेशा प्रोनाउन होता है. ठीक है, ये जो वन है हमारा एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता, क्योंकि आप देख लो ये प्लूरल है और प्लूरल कभी भी एडजेक्टिव का नहीं बनता है. प्लूरल हमारा तीन ही चीज़ का बनता है, या तो नाउन का प्लूरल बना सकते हो, या तो वर्ब का प्लूरल बना सकते हो, ठीक है, या तो प्रोनाउन का प्लूरल बना सकते हो. एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है. और ये जो वंस है ये प्लूरल फॉर्म है, और जब ये प्लूरल है तो एडजेक्टिव तो प्लूरल का बनता नहीं है. इसका मतलब है कि वंस कभी भी एडजेक्टिव नहीं है. वंस जब भी काम करेगा प्रोनाउन का, और प्रोनाउन का प्लूरल तो होता ही है. और ये जो वन है ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है. वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. जैसे मैंने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ जो वन है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, बहुतों में से एक प्रेजेंट था. ये इतने सारे स्टूडेंट्स था उसमें से एक प्रेजेंट था. तो ये जो वन लगा है ये किसके लिए लगा है, ये स्टूडेंट्स के लिए लगा है. और स्टूडेंट्स नाउन है, और नाउन के बदले लगने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन. तो ये हमारा प्रोनाउन है. ठीक है, और एक चीज़ और भी आप देख सकते हो, ये क्या है हमारा प्रेपोजिशन. ठीक है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और जनरली प्रेपोजिशन के पहले वाला जो भाग होता है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. ठीक है, प्रेपोजिशन के पहले वाला पार्ट जो होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, किसी सब्जेक्ट मतलब हमारा डूअर, हमारा कर्ता जिसके बारे में बात कही गई है वाक्य में. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन. तो वन तो नाउन है नहीं, इसका मतलब वन क्या है, प्रोनाउन. तो वन हमारा प्रोनाउन है. इसे दोनों तरीके से देख सकते हो, थोड़ा सा टेक्निकली जाते हो. प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना है या तो प्रोनाउन होना है. नाउन तो ये है नहीं, इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन. और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी अगर समझते हो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, तो ये स्टूडेंट के बदले ये लग रहा है, स्टूडेंट नाउन है, नाउन के बदले लगने वाले वर्ड्स प्रोनाउन. तो ये तो हमारा वन प्रोनाउन हो गया. हम वन को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं. यहाँ का वन हमारा प्रोनाउन. जैसे मैंने बोला वन बॉय, या वन स्टूडेंट ही देख लो, वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, एक स्टूडेंट प्रेजेंट. ये स्टूडेंट हमारा क्या है, स्टूडेंट इज नाउन, कितने स्टूडेंट, वन. ओके, ये जो वन है जिसको हम डिटरमाइनर्स में भी ऐड कर सकते हैं, या जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं. ठीक है, वो एडजेक्टिव जो नंबर फॉर्म में, तो यहाँ का वन हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ का वन प्रोनाउन है. और जो वन यहाँ का प्रोनाउन है ना, उसी का प्लूरल, उसी का वंस भी प्रोनाउन है. और ये जो वन है उसी का प्लूरल वंस है. ठीक है, वन का प्लूरल वंस होता है एज अ प्रोनाउन, नॉट एज एन एडजेक्टिव. जैसे ये देखो, आई वॉन्ट रेड पेन, आई डोंट वॉन्ट ब्लू वन. मुझे रेड पेन चाहिए, मुझे ब्लू वाला पेन नहीं चाहिए. ठीक है, आई वॉन्ट रेड पेन, आई डोंट वॉन्ट ब्लू वन. ठीक है, अब देखो ये जो वन मैंने लगाया है ये वन किसके लिए लगाया है, मुझे रेड वाला पेन नहीं चाहिए, मुझे ब्लू वाला चाहिए.
ये जो मैंने वन लगाया है ये पेन के लिए लगाया, और पेन क्या है, पेन हमारा नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है, ठीक है। एक वन तो प्रोनाउन होता है, और उसी का मैं प्लूरल भी कर सकती हूँ, मैं ये भी लिख सकती हूँ आई डोंट वॉन्ट रेड पेन्स, आई वॉन्ट ब्लू वंस। तो यहाँ बहुत सारा पेन्स था, नाउन था, इसी का मैंने प्लूरल कर दिया एज अ प्रोनाउन। तो वन वन एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, और इसी का प्लूरल क्या बनता है, वंस, ठीक है। वन का प्लूरल वंस बनता है। अब मुझे मेन फोकस किस पे करना है, इन दोनों के डिफरेंस को बताना है, ठीक है। लेट अस डू दिस। अभी मैंने क्या बताया कि वन प्रोनाउन होता है, ठीक है, वन प्रोनाउन होता है सिंगुलर में, और इसी का प्लूरल वंस होता है, वंस भी प्रोनाउन है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब हमें फोकस एक और चीज पे करना है। अभी तो मैंने बोला कि वन प्रोनाउन होता है, ठीक है, वन भी प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है एक संख्या में एक, ठीक है, कोई न्यूमरल बता रहा है, न्यूमरल वैल्यू बता रहा है। एक वन प्रोनाउन होता है जिसका मतलब होता है एक, और एक वन प्रोनाउन होता है जिसका मतलब होता है हर एक। एक वन का मतलब एक वन प्रोनाउन होता है, वन का एक और मतलब है जिसका मतलब होता है एवरीबडी, एवरीबडी ऑल कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वन एज अ प्रोनाउन, वन एज अ प्रोनाउन, इसका दो मतलब है, एक वन का मतलब होता है एक, और एक वन का मतलब होता है हर एक। देखो कैसे सेंटेंस में बता रही हूं, जैसे मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, और फिर मैंने लिखा वन शुड डू वंस ड्यूटीज, ठीक है, हर किसी को अपना काम, हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब दोनों सेंटेंस देखो, यहाँ का वन भी प्रोनाउन है, ठीक है, वन प्रोनाउन होता है जिसका दो मतलब होता है, एक वन का मतलब होता है संख्या में एक, और एक वन का मतलब होता है हर एक, जो हर एक लोग के लिए लागू है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, यहाँ भी वन प्रोनाउन है, और यहाँ देखो यहाँ भी वन प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, वो आपके पहले जो आ गया सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन तो ये नहीं है प्रोनाउन है। यहाँ का वन भी प्रोनाउन है और यहाँ का वन भी प्रोनाउन है, बट दोनों के बीच का डिफरेंस है। वहाँ यहाँ वन का मतलब क्या है, वन ऑफ द बॉयज मतलब बात हो रही है बहुत सारों में से किसी एक की, तो यहाँ वन का मतलब है संख्या में एक। और नेक्स्ट वाला देखो, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, ऐसा सेंटेंस का सेंस नहीं जा रहा है कि सिर्फ एक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यहाँ वन का मतलब क्या है, हर एक को, हर एक व्यक्ति को, एवरीबडी, हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो जहाँ वन का मतलब हर हर एक के सेंस में है, वहाँ का वन भी सिंगुलर है, और जहाँ वन का मतलब संख्या में एक है, वहाँ का वन भी सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो मुझे अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस बताना, ठीक है, ये बगैर अपोस्ट्रोफी का है, ये अपोस्ट्रोफी के साथ। और अब हम फोकस करेंगे डायरेक्टली वहीं पे जहां से हमारे एग्जाम्स में एरर्स आते हैं। थोड़ा बहुत प्रोनाउन का आपको आइडिया होगा, जैसे प्रोनाउन का हम पोजेसिव बनाते हैं, जैसे ही का बनता है ना, ही का हिज बनाते हैं, ही मतलब यह, ही मतलब ये इसका, वह उसका, शी का हर, दे का देर, ठीक है, वे उनका, ठीक है, वह उसका, और इट का इट्स बनाते, ठीक है, आई का, सब पोजेसिव है, ठीक है, आई का माई बनाते, ठीक है, इसे पोजेसिव एडजेक्टिव का नाम देते हैं, ठीक है। आगे हम और डील करेंगे, वी का अवर, वी इज हम और अवर इज हमारा, तो ये सब हम पोजेसिव बना रहे हैं। उसी तरह ये जो वन है ना, ये जो वन है, इसका पोजेसिव भी वंस बनता है, ठीक है, और ये वंस भी सिंगुलर है। अभी मैंने लास्ट सेंटेंस में बताया कि ये वन भी सिंगुलर है, नो डाउट वन का मतलब है हर एक, ठीक है, हर एक की बात हो रही है, तो उसका पोजेसिव वंस बनता है। ऐसा वाला वंस नहीं, ये वंस गलत है, ये वंस तो वन का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, और ये जो वंस है ये वन का पोजेसिव है, और ये जो वंस है वन का पोजेसिव कब बनेगा, जब वन का मतलब हर एक के सेंस में, ठीक है, जैसे बन रहा है ना, ही का हिज, शी का हर, दे का देर, उसी तरह वन का पोजेसिव वंस बनता है, ये वाला वंस,
ये वाला वंस नहीं, क्योंकि ये वाला वंस है, ये वन का प्लूरल है, बट ये जो अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी हम जनरली किस लिए लगाते हैं? पोजेशन बताने के लिए, ठीक है। अब आपके एग्जाम्स में वो एरर कैसे डालेंगे? और याद रखना है कि वन का पोजेसिव केस वंस तभी बनेगा ना जब सेंटेंस में वन का मतलब हर एक रहे, ठीक है। सेंटेंस देखो, वन शुड डू देयर ड्यूटीज। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, गांधी जी सेड डैट वन शुड रिस्पेक्ट देयर रिलीजन। थर्ड सेंटेंस आपको दे रही, वन शुड डू वंस ड्यूटीज या देयर ड्यूटीज वन सेल्फ और देम सेल्फ्स। ओके, चलो अब हम इसका पोजेसिव लगाते हैं, वन शुड डू देयर ड्यूटीज। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो देयर है ना, ये दे का पोजेसिव है। ओके, दे का पोजेसिव देयर होता है, और देयर तो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ वन का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ वन का मतलब है हर एक, यहाँ वन निकल रहा है एवरीबडी के सेंस में, तो उसका पोजेसिव अपोस्ट्रोफी वाला वंस होगा। और चूंकि वंस हमारा सिंगुलर है, तो उसका पोजेसिव हम प्लूरल नहीं बना सकते, उसका पोजेसिव भी सिंगुलर रहेगा। ये जो अपोस्ट्रोफी वाला वंस है ना, ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये जो बगैर अपोस्ट्रोफी वाला है, ये प्लूरल है। ओके, अगेन, गांधी जी सेड दैट वन शुड रिस्पेक्ट देयर रिलीजन। ऐसा तो नहीं है ना कि गांधी जी ने कहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति को अपने धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गांधी जी ने सबके लिए कहा है। तो यहाँ वन का मतलब एवरीबडी निकल रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ एवरीबडी भी सिंगुलर होता है और वन भी सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या होगा, वन का पोजेसिव देयर नहीं बनेगा, वंस। नेक्स्ट आ जाओ, वन शुड डू, यहाँ भी वन का मतलब क्या है? यहाँ वन का मतलब एवरीबडी है, ठीक है। जहाँ वन का मतलब हर एक, एवरीबडी के सेंस में निकल रहा है, उसका पोजेसिव भी वंस होगा और उसका रिफ्लेक्सिव भी वंस होगा। अगर यही सेंटेंस ऐसा आया होता, जैसे मैंने बोला, वन ऑफ द बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक, अब इसका पोजेसिव देखते हैं, देयर बुक या वंस बुक। ओके, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ वन का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ वन का मतलब हर एक नहीं निकल रहा है, यहाँ वन का मतलब एक निकल रहा है, ठीक है। यहाँ वन का मतलब एवरीबडी के सेंस में नहीं है, एक के सेंस में, एक के सेंस में है तो देयर तो नहीं होगा, या तो हेज होगा या तो वंस होगा। बट ध्यान रखना है कि वन का पोजेसिव वंस तभी होता है ना जब वन का मतलब हर एक के सेंस में, यहाँ तो मतलब वन का मतलब एक के सेंस में, और बॉयज की बात हो रही है, क्या लगाओ, हिज, ठीक है। बस एक छोटा सा एरर इससे, और कहाँ से एरर आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपके वीडियोस डालते जाती हूँ, एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि उस वर्ड से जो जो एरर्स आता है ना, अलग अलग नहीं पढ़ना है, साथ में पढ़ लेना। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन टैग का एरर भी आता है, बस एक छोटा सा एरर है, आप उसको देख लो। ऐसा दे देंगे, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, ऐसा है, और इसका टैग बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन टैग में आप स्टूडेंट को पता होगा कि क्वेश्चन टैग में हम टैग लगाते हैं, टैग लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनता है, अगर टैग नेगेटिव जा, सॉरी, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, टैग पॉजिटिव जा रहा है। जैसे कि सेंटेंस आप देख रहे हो पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका टैग क्या बनाना है, नेगेटिव, और टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी भी है और मेन भी है, इसमें तो दोनों वर्ब है, बट टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ चाहिए, और मॉडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरी होते हैं। इसको कर दो शूडेंट, एग्जाम में क्या लगा के दे देंगे, शूडेंट दे, बट ये गलत है, ठीक है। आपको शूडेंट दे नहीं करना है, शूडेंट वन करना है, क्योंकि ये वन तो सिंगुलर जाता है ना, ये वन हमारा सिंगुलर सेंस में जा रहा है, अगर सिंगुलर सेंस में जा रहा है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर, ठीक है। तो होपफुली आप स्टूडेंट्स को ये वन और वंस और अपोस्ट्रोफी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी और भी आपको प्रोनाउन के वीडियोस मिलेंगे, और कमेंट्स आप अपने लिखते रहिएगा, जैसे कि मैंने बोला, अपना कमेंट्स तो मैं देखते रहती हूँ, एंड आप, मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल है, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आए तो शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन है आपके पास, आपको वीडियो का अपडेशन चाहिए तो आपको मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।